आज थाई कमिटी को निरंतर बैठक को तेस्रो दिन पनि हामीले बैठक जारी गर्यौं। आज को बैठक में यो दुईटा कुरा दुईटा विषय में हाम्रो छलफल चल्यो। एउटा संपर्क समिति को गठन संबंधी निर्णय गरियो, 175 जना को संपर्क समिति बनाउने भनेको त्यो भनेको विभिन्न प्रदेश में प्रदेश का यहाँ रहेका कमरेडहरुको कमिटी हो। दिलालाम आचार्य वहाँ को संयोजकत्व में 175 सदस्य निर्माण करने निर्णय गरियो। एउटा यो हो। अर्को विभाग गठन भयो, विभाग में 33 वटा विभाग एउटा प्रतिष्ठान, एउटा विभाग चाहे विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी छ। त्यो सूर्य सुवेदी को नेतृत्व गर्ने भन्ने छ, तर त्यसको अलि पछि छलफल हुन्छ। बाकी सब विभागहरुमा मोटामोटी म तपाईहरुलाई यो विभागीय प्रमुखहरुको नाम भनिन्छु, सबैको अहिले भन्नु जरुरी छ। अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा वर्षमान पुन 35 सदस्य हुन्छ। त्यस्तै र उद्योग विभागमा वामदेव छेत्री 35 सदस्य हुन्छ। उपभोग हित तथा आपूर्ति विभागमा मात्रिक यादव, त्यसपछि सबैको 35 सदस्य हुन्छ है। त्यसपछि त भूमि सुधार विभागमा हरिबोल गजरेल, अनि त्यस्तै र कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागमा दुर्प्रसाद उपाध्याय, खानेपानी तथा सरसफाई विभागमा बिना मगर, जलस्रोत सिंचाई तथा ऊर्जा विभाग लालनी पोखरेल, निर्वाचन विभाग में खिमलाल देवकोटा आए भएन है विभाग, कानून न्याय तथा मानवाधिकार विभाग में मुक्ति नारायण प्रधान, पर्यटन प्रबंध तथा नागरिक उड्डयन विभाग में जक्कु प्रसाद सुवेदी, अनि प्रचार प्रसार प्रकाशन विभाग में कृष्णबहादुर महरा, प्रादेशिक मामला विभाग में परशुराम तामाङ, फाटी ईश्वर विभाग में प्रमुख गिरिराजमणि पोखरेल, इसको इन्चार्ज कुन व्यवस्था गरिरहेको छ यसमा अध्यक्ष आफै इन्चार्ज हुनुहुन्छ फाटी ईश्वर विभाग। पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग में नारायण प्रसाद शर्मा, उहाँसित सल्लाह गरेर गर्ने कुरा भएको छ। अनि त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग में हरि अधिकारी, अनि युवा तथा खेलकूद विभाग में गणेशमान पुन, राजकीय मामिला तथा सुशासन विभाग में रेखा शर्मा, मैले प्रमुख को नाम मात्रै भने, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग यसमा कृष्णबहादुर महरा, अनि त्यसपछि वन तथा वातावरण विभाग शक्तिबहादुर बस्नेत, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग गणेश शाह, विदेश मामिला विभाग में नारायण काजी श्रेष्ठ, अब शिक्षा तथा मानव स्रोत विभाग माया प्रसाद शर्मा, अनि श्रम तथा रोजगार विभाग में रामेश्वर राय यादव, अनि संगठन विभाग में जनार्दन शर्मा, संघीय संसदीय विभाग में अयदेव प्रसाद गुरुले नेतृत्व गर्ने, अनि समाज कल्याण विभाग में सत्य पहाड़े, सरकारी तथा गरिबी निवारण विभाग में धर्मदत्त देवकोटा, शहरी विकास विभाग में देवेन्द्र पौडेल, सामान्य प्रशासन विभाग में शेख बहादुर बस्नेत, साहित्य कला तथा संस्कृति विभाग में गोपाल ठाकुर, स्थानीय तह विकास विभाग में उर्मिला अर्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग में कल्पना धमला। यो बाहेक यो 32 वटा विभाग को नाम भने मैले, इसमें 35 सदस्य अधिकतम सदस्य रहन्छ, त्यो भन्दा बढी हुँदैन। इसमें अब एउटा विभाग विद्युत व्यवस्था मैले अहिले भनिसकें, त्यसले 33 हुन्छ। अब एउटा चाहिँ नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान भन्ने छ, एक विभाग भयो, यसमा चाहिँ रामचन्द्र झाले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यसको पनि हामी 35 सदस्य बनाउने निर्णय गरेका छौँ।